हाय कैप्रिकॉन, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे अगले 15 दिन आप सभी के कैसे रहने वाले हैं, आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेगी, क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो और डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए अगले 15 दिनों के लिए। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये एक जर्नल रीडिंग है, कहने का मतलब कलेक्टिव में है। बहुत सारे कैप्रिकॉन्स यहाँ पर देख रहे होंगे, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हों, कुछ चीज़ें ना करें, या हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए। तो प्लीज़ उसी तरीके से इस रीडिंग को देखिएगा। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको करना क्या है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, उनसे कनेक्ट हुई, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही बेटर जानती है यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं। तो अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, उन मैसेजेस को रिसीव कीजिए उसी एरिया में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ माँ बाबा गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज की सिनर्जीज में रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। एट ऑफ वॉन्ड्स, माइंडसेट कैसा रहेगा, टेम्परेंस, रिश्ते कैसे रहेंगे, लव लाइफ और अदर रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के नेक्स्ट 15 डेज। फूल, करियर कैसे रहेगा, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ कैसी रहेगी, सेवन ऑफ कप्स, स्पिरिचुअलिटी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैलेंज क्या रह सकता है नेक्स्ट 15 डेज। ओहो, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने मुझे। चैलेंज सेवन ऑफ सोर्ड्स, अरे ये क्या बात है। ओवरऑल गाइडेंस क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट, चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यस, मैं आपको यहाँ पर कैप्रिकॉर्न देख रही हूँ। आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर आई है, एट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। जैसे आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा है, आप भी हो सकता है बहुत कुछ कर रहे हैं या करने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं। मैं थोड़ा सा ना, मुझे यहाँ पर जो फीलिंग आप लोगों के लिए आ रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग, हालांकि ये टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर जो आया है ना, मतलब मुझे ये डायरेक्ट ये मैसेज दे रहा है कि आप अंदर से थोड़ा सा इम्बैलेंस हो, ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें चल रही हैं। आपकी एनर्जीज ना भी डिस्ट्रैक्टेड हैं, ठीक है, अब बहुत जगह पर फोकस कर रहे हो, मतलब इधर भी लाइफ में इधर भी देखना है, इस एरिया में भी देखना है, इस एरिया में भी देखना है, जैसे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं और आप बस सब तरफ हो, आपको पता नहीं चल रहा क्या करें। अभी कहने का मतलब आपकी रिश्तों की बात कर लीजिए, करियर की बात कर लीजिए, फाइनेंसिस की बात कर लीजिए, हेल्थ की बात कर लीजिए, सभी चीज़ें एक साथ चल रही हैं यहाँ पर। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है आप लोगों की, और आप लोग जो है ना बस मतलब इसी चीज़ में लगे हुए हो कि किस तरीके से बैलेंस किया जाए, किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए, किस तरीके से चीज़ों को निपटाया जाए, किस पर मैं फोकस करूँ, मतलब बहुत कुछ चल रहा है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ जैसे चैलेंजेस, ठीक है, चल बहुत कुछ रहा है, एक्शंस बहुत सारे हो रहे हैं, चैलेंजेस एक वर्ड में इसको पर्टिकुलर नहीं पकड़ूंगी, कहने का मतलब एक्शंस बहुत सारे हो रहे हैं, कर्म बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप, ठीक है,
एक साथ सभी चीज़ों को पकड़ लिया है आपने, ठीक है, एक साथ सभी चीज़ों को पकड़ करके ये लिटरली मुझे सेवन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जीज दे रही है कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ और ये भी कर लूँ। तो भाई थोड़ा सा ना बैलेंस करो अपने आप को, ठीक है। ये मैसेज मुझे ये दे रहा है, आपके लिए गाइडेंस भी यहाँ पर यही है कि प्लीज़ एक एक करके चीज़ों को लो, ठीक है, एक साथ में सारी चीज़ों को मत लो, अदरवाइज़ ना आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप एक चीज़ पर फोकस नहीं करोगे ना अगर, तो होगा क्या कि एक भी चीज़ अच्छी नहीं होगी, ठीक है। आप सही करना चाहोगे सभी चीज़ों को, होगा एक भी ठीक नहीं, ठीक है। तो एक पर फोकस करके पहले करो, एक एक करके चीज़ों को हैंडल करना है आपको। सभी चीज़ों को एक साथ पकड़ लोगे तो हैंडल नहीं होंगी, ठीक है, एक भी चीज़ ठीक नहीं कर पाओगे आप। नेक्स्ट 15 डेज आपको इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा सेटल कीजिए, मतलब अपने आप को थोड़ा सा मैं स्लो नहीं कहूँगी आपको, कहने का मतलब कि एक तो नाउ मोमेंट में रहना है, मेरा कहने का मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अभी में रहो और सबसे पहले देखो कि अभी के लिए, जस्ट अभी के लिए मेरे लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस तरफ आपको एक्शन पहले लेना है, फिर उसके बाद क्या रहेगा आपके लिए प्रायोरिटी, फिर उस पर एक्शन लीजिए, ठीक है। अभी से अगर आप बहुत आगे के बारे में सोचने अगर लग जाओगे तो होगा क्या कि एक भी चीज़ को ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए बहुत ही बड़ी वाली गाइडेंस है कि प्लीज़ इतना सारा ना बोझ लेकर के मत चलो, ठीक है, इतना कुछ साथ में लेकर के मत चलो कि कहीं कंफ्यूज हो जाओ और एक भी चीज़ सही नहीं हो, ठीक है। रिश्ते की बात करें यहाँ पर तो व्हील सॉरी फूल की एनर्जीज है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर बोलूँगी, जैसे कि एक बात तो यहाँ पर बोलना चाहते हो, जो सिंगल्स हो ना, सिंगल आप जो भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, आप लोग बिल्कुल भी मैरिज के लिए रेडी नहीं हो। अगर आपके घर वाले बोल भी रहे हैं ना कि मैरिज कर लो, मैरिज कर लो, तो उनको हार करके पीछे हटना पड़ रहा है, ठीक है। आप अभी रेडी नहीं हो, आप उनको मना कर रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई मेरे लिए करियर पहले मेरी प्रायोरिटी है और मैं करियर पर फोकस करने वाला हूँ या वाली हूँ, मतलब मैं उसी पर फोकस रहने वाला हूँ, जब तक कि मैं सेटल नहीं हो जाता, मतलब करियर में फिक्स नहीं हो जाता, स्टेबल नहीं हो जाता या हो जाते, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो बेसिकली ये 15 दिन ना, जैसे कि आप उनको ये अपना डिसीज़न आप देते हुए यहाँ पर दिखा रहे हो, दिखाई दे रहे हो कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जो अपने हैं ना, आपके जो घर वाले हैं, वो हार मान रहे हैं कि ठीक है इसने तो मानना नहीं है, चलो फिर पीछे ही हट जाओ, ठीक है। तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं, अब मुझे ऐसी एनर्जीज आप लोगों की मिल रही है क्योंकि आप मानने वालों में से हो नहीं, ठीक है। और अगर बात करें आप जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशन रिश्ते में हो, ठीक है, अगर आप रिश्ते में हो किसी पर्सन के साथ, तो आप भी खुद अभी रेडी नहीं हो कमिटमेंट के लिए। अगर सामने वाला पर्सन चाहता है कि भाई इस रिश्ते में मुझे कमिटमेंट मिले, तो आप यहाँ पर रेडी नहीं हो, आप अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, आप बस इस पल को जीना चाहते हो। मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से गलत नहीं कह रही कि आप किसी के साथ चीट कर रहे हो, नहीं, आप बस ये चाहते हो कि अभी कर, अभी का देखो, ठीक है। यस, आपका प्यार सच्चा है, आप सही हो अपनी तरफ से, बट कमिटमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए अभी आप यहाँ पर रेडी नहीं हो, आप सिर्फ अपने करियर पर फोकस अभी करना चाहते हो। यही अगर मैरिड कपल्स की अगर बात की जाए, तो द फूल का कार्ड यहाँ पर मुझे ये बताता है कि जैसे कि आपकी लाइफ में जो मैरिड कपल्स हैं यहाँ पर, उनकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। अभी ये नई शुरुआत किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अगर आपको कोई फर्टिलिटी इशू भी है ना, वो भी यहाँ पर ठीक होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कंसीव आप कर सकते हो, कोई मतलब जैसे कि कोई नया मेंबर या फिर ज़िंदगी का कोई नया पड़ाव आप शुरू कर रहे हो, ये मुझे एनर्जीज मिल रही है जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, ठीक है। ये वो एनर्जीज मुझे आप लोगों की यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब कुछ किसी एक लेवल पर आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, अभी सभी का तो है नहीं है ना कि सभी के लिए फर्टिलिटी यहाँ पर हो जाएगा, तो अपने अपने लेवल पर आप लोग जैसे कि एक नई शुरुआत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जैसे शुरू से कुछ शुरू करना, ठीक है, ज़ीरो से कुछ शुरू करना। अगर आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रही पिछले कुछ समय में, तो जैसे कि आप बिल्कुल नए सिरे से नई शुरुआत आप लोग कर रहे हो, आपके जैसे कि
रिश्ते को देखा जाए ना, जैसे चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है, वो बदलाव आप इन नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पर फील करोगे। कुछ नया शुरू करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, कोई न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। अभी वो किस लेवल पर है वो आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा, यहाँ पर सबके लिए अलग अलग है, ठीक है, सबके लिए यहाँ पर अलग अलग मैसेज है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर करियर की। तो करियर की अगर बात की जाए, यस, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर अदर रिश्तों की अगर बात की जाए, जो आपके और भी जो दूसरे रिश्ते हैं, तो यस, वो ऑनेस्ट रहेंगे आपके साथ, ठीक है, आपको सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप पर किसी तरीके का कोई दबाव बनाया भी गया ना, तो आप उनको क्लियरली अपनी बात यहाँ पर बोलने वाले हो इन नेक्स्ट 15 डेज में, कि आपको वो काम करना है या फिर आपको वो चीज़ पसंद है या नहीं पसंद है, तो वो आपको ज़्यादा फोर्स नहीं बेसिकली करेंगे, ठीक है। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर ना ये नेक्स्ट 15 डेज में आप थोड़ा ज़्यादा ज़िद्दी हो कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये एनर्जीज मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों की। करियर की बात की जाए, तो भाई करियर में किंग ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है डेफिनेटली करियर में, जिसे कहते हैं ना कि एक स्टेबिलिटी में आ जाना, ठीक है, स्टेबल हो जाना, या फिर किसी काम को, जैसे करियर वाइज अगर कोई काम आपकी तरफ आ रहा है ना, तो आप पूरे पैशन के साथ उस काम को कर रहे हो, आपकी एनर्जीज यहाँ पर इतनी हाई है कि आप अपना 1000% यहाँ पर अपने करियर में देने वाले हो, पूरी तरीके से पैशनेट हो, मतलब जिसे कहते हैं ना कि पूरी शिद्दत के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आप उस काम को करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि पूरे मन के साथ। एक होता है कि हमें कोई काम दिया गया करियर वाइज, जो कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका मन नहीं है करने का, लेकिन ये वो दिखा रहा है कि ये सब जो भी कर रहे हो ना, दिल से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, यहाँ पर आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई है, जिसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ये नेक्स्ट 15 डेज में। अगर आप जो भी काम करते हो ना माई डियर, करियर वाइज डेफिनेटली उसके बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। उस बेसिस पर ना कुछ आपको कोई बड़ा जिसे कहते हैं रिकॉग्निशन आपको यहाँ पर मिल सकता है, कोई बड़ा कुछ, मतलब जिसे कहते हैं ना एक मुझे गिफ्ट वर्ड सुनाई दे रहा है, जैसे कि आपके बॉस की तरफ से कोई गिफ्ट मिलना आपको, ठीक है, एज अ गिफ्ट कुछ मिलना, या सरप्राइज आपको कुछ मिलना, कि आप जो हो इतनी हाई वाइब्रेशन में रह करके काम कर रहे हो, इतने कॉन्फिडेंटली आप काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी रहने वाली है, आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा रहने वाला है, कि जिसे कहते हैं ना कि सबको इम्प्रेस कर देना, ठीक है, अपने वर्क प्लेस पर आप जैसे सबको इम्प्रेस कर रहे हो, जिसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अभी वो क्या मिलेंगे वो सरप्राइज है, ठीक है, तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, आपके वर्क प्लेस पर। और यहाँ अगर बात की जाए आपके हेल्थ की, तो 7 of Cups की एनर्जीज है भाई, आपकी हेल्थ में कुछ झोल नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ तो उल्टा सीधा आप यहाँ पर कर रहे हो हेल्थ को लेकर के, ठीक है। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर रूटीन में चेंज लाना, ठीक है, हेल्दी चीज़ों को फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको खुद को पता है कि ये सब अनहेल्दी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, अनहेल्दी रूटीन को फॉलो कर रहे हो, अनहेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हो, कुछ भी हेल्दी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो आप, तो माई डियर प्लीज़ अपने इस चीज़ को आप ठीक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि अदरवाइज़ ये आपके हेल्थ पर बहुत ही उल्टा इम्पैक्ट डालेगा, आपको सफ़र करना पड़ेगा। अभी आपको हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन कुछ समय बाद आपको उसका असर दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है कि अपने हेल्थ पर फोकस कीजिए, ठीक है, जो आपको सही लगता है हेल्थ को लेकर के, वो ज़रूरी कदम यहाँ पर उठाने की ज़रूरत है, वो ज़रूरी एक्शंस यहाँ पर लेने की आपको ज़रूरत है, वो ज़रूरी डिसीजन आपको यहाँ पर लेने की ज़रूरत है हेल्थ के रिगार्डिंग। अब आप अपने अकॉर्डिंगली इंट्यूटिवली इस मैसेज को रिसीव कीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके स्पिरिचुअलिटी की। भाई स्पिरिचुअलिटी में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न, आप में से बहुत लोगों की यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, स्पिरिचुअल लेवल पर आप एक अपनी जर्नी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप में से कुछ लोग। और जैसे कि उसको लेकर के ना कोई बहुत बड़ा एक डिसीजन आप बना रहे हो, जैसे कि एक अननोन पर में आप ना टैप इन कर रहे हो, ठीक है, आपको नहीं पता कि आपके लिए सही है या गलत है, मतलब ये आपके वे में मैं बता रही हूँ, लेकिन जिसे कहते हैं कि आप अपना वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आप वहाँ पर ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप ईश्वर पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर आप यहाँ पर विश्वास कर रहे हो और आप उस तरफ कदम रख रहे हो, ये बिल्कुल आपके लिए नई चीज़ है। अभी ये हो सकता है कि मे बी आप कुछ करते कुछ और हों, फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है,
आप कर कुछ और रहे थे, लेकिन अब आप शायद साथ ही साथ जो है आप टैपिंग कर रहे हो टैरो कार्ड रीडिंग में या फिर ऑकल्ट साइंस में, बेसिकली किसी भी फील्ड में हो सकता है, ऑकल्ट साइंस में आप टैपिंग कर रहे हो, ठीक है, आपका इंटरेस्ट वहाँ बढ़ रहा है, ठीक है, ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, उस तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसे कह रहे हैं, इसे कहते हैं कि आपकी जो है स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, एक बिगनिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है, ये नेक्स्ट 15 डेज में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं भाई आपके चैलेंज की, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, आपका माइंडसेट, आपके थॉट्स। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आप लोगों की आ रही है ना, देखो एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगी कैप्रिकॉन, आप जो भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की, आप में से बहुत लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा ना अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपने ऊपर काम करने का मतलब ये है कि अपने थॉट्स को क्लीन करना, ठीक है, अपनी इंटेंशंस को क्लीन करना, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जब पास्ट है ना, वो आपके, उसने आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर करा है, जिस वजह से कि आपके थॉट्स, आपकी इंटेंशंस यहाँ पर इफ़ेक्टेड नज़र आ रही हैं। तो डिवाइन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल लेवल पर, ठीक है। तो आपको जिन जिन लोगों को खास कर यहाँ पर सिंक्रोनिसिटीज दिख रही होंगी, नंबर सिंक्रोनिसिटीज, ठीक है, आप लोगों को खुद को फील हो रहा होगा ये एनर्जीज, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि ये वक्त है भाई अपनी इंटेंशंस पर काम करने का, अपने थॉट्स पर काम करने का, क्योंकि वो यहाँ पर सही नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे विद दिस सेवन ऑफ सोर्ड्स। कुछ यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि क्या बोलूँ मैं, कि आप जो हो कर तो रहे हो पर अंदर कुछ और चल रहा है, ठीक है, सामने तो कुछ कर रहे हो, सही कर रहे हो, पर अंदर से कुछ और चल रहा है, ठीक है, और जो अंदर आपके चल रहा है ना वो सही नहीं है, वो नेगेटिव है, ठीक है, चलाकी वाली वाइब्स है थोड़ी, ठीक है, जालिस वाली वाइब्स हो सकती हैं, ठीक है, और ईर्ष्या वाली वाइब्स हो सकती है, मतलब ये बेसिक हैं, ठीक है, इन पर काम करने की बेसिकली आपको ज़रूरत है। तो पहली बात तो अपनी जर्नी को किसी की जर्नी से ना कनेक्ट नहीं करना है आपको, ये सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पर नहीं मैं कह रही हूँ, आपकी ऑल ओवर लाइफ की बात कर रही हूँ, कि अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत करो, ठीक है, कंपेयर नहीं करोगे तो जालिस भी फील नहीं करोगे, ठीक है, हर किसी की अपनी एक अलग जर्नी होती है, तो आप अपनी जर्नी में हो, सामने वाला अपनी जर्नी में है, इस चीज़ का आपको खासा ख्याल रखना है, ठीक है। तो अपने थॉट्स पर, अपनी इंटेंशंस पर आपको यहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। देखो इस समय में जितना आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहोगे, जितना आप डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को ज़्यादा स्ट्रांग बनाओगे, जितनी आप साधना करोगे, जितनी आप मेडिटेशन करोगे, ये चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में जो है फिल्टर होंगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितना हो सके मेडिटेट कीजिए, साधना कीजिए, ये आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इस समय में मदद करेगा, आपकी लाइफ, आपके अंदर जो ये चीज़ें चल रही हैं उनको फिल्टर करने में, ठीक। और आपके लिए यहाँ पर जो जिसे कहते हैं ओवरऑल गाइडेंस आया ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, भाई अपने ऊपर तो आपको काम करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉन, ठीक है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, इनर वर्क आपको करने की ज़रूरत है, और अपने आप को ना अपनी फेमिनिन एनर्जीज के साथ कनेक्ट हुई है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। डेफिनेटली हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर भी ना बैलेंस का कार्ड है, कहने का मतलब आपको अपनी लाइफ में ना बैलेंस ला करके चलने की ज़रूरत है नेक्स्ट 15 डेज। आपकी फेमिनिन एनर्जीज, आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस रहनी चाहिए, कोई भी एक चीज़ ऊपर हुई तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। आप ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जीज में आ गए तो फेमिनिन एनर्जीज नीचे हो जाएंगी आपकी, बहुत ज़्यादा गिवर की एनर्जीज में आ गए तो फिर इमोशनल हो गए तो आपकी फेमिनिन एनर्जीज ऊपर हो जाएंगी, मस्कुलिन एनर्जीज नीचे हो जाएंगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर बैलेंस की बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरत है, ठीक है, हर चीज़ को बैलेंस में लेकर के आगे बढ़ना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट 15 डेज आपको बोला जा रहा है अपने आप को ना जितना हो सके धरती से कनेक्टेड रखिए, ठीक है, डाउन टू अर्थ रहिए,
जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, कुछ बड़ा आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अपने आप को ग्राउंडेड रखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अपने आप को धरती से जोड़े रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप हवा में उड़ोगे, जितना आप मैं की भावना में आओगे, जितना आप ऐसी एनर्जीज में आओगे, तो वो चीज़ें बहुत टेम्परेरी हो जाती हैं। वो चीज़ें फिर कुछ वक्त के लिए आपकी लाइफ में आती हैं, फिर चली जाती हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप जो भी कर रहे हो, जो भी आप अपनी लाइफ में बदलाव बेसिकली लेकर के आ रहे हो, जो भी कुछ आप अपनी डेस्टिनी में लिख रहे हो इस समय में, ठीक है, जो कुछ भी आप अचीव कर रहे हो, जो भी ब्लेसिंग्स आप ले रहे हो, आपको बोला जा रहा है अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना, अप्रिशिएट करो इन अ पॉजिटिव वे, इन अ हम्बल वे, ठीक है, हम्बल रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए। विनम्रता आपके लिए बड़ी ज़रूरी है कि हाँ, ये जो मैं पा रहा हूँ, ये जो मैंने पाया है, ये ईश्वर की कृपा से है, मेरे से भी बड़ा कुछ है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली भावना रखना आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और अपनों के साथ रहना, अपनों को साथ लेकर के चलना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो आपके वेल विशर्स हैं, मतलब वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है, ठीक है। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे ना, चैरियट की एनर्जी से, भाई जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, डोंट वरी, मतलब है तो सही चैलेंजेस अच्छे खासे, ठीक है, पूरे हिलाने वाले चैलेंजेस भी हो सकते हैं कि इंसान को पूरी तरीके से हिला ले, लेकिन विक्ट्री अंत में अगर आप बैलेंस रहोगे, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, बैलेंस रहोगे, गाइडेंस को फॉलो करोगे, तो विक्ट्री आपको ही मिलेगी, ठीक है, सक्सेस आपकी है यहाँ पर। थैंक यू माँ, थैंक यू बापा, प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि नेक्स्ट 15 डेज और क्या मैसेज है, गाइडेंस एडवाइस है आपके बच्चों के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ऑप्शंस, कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटीज़ दैट आर ओपन टू यू। येस, आपकी तरफ ना करियर वाइज यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, ऑप्शंस आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं ये नेक्स्ट 15 डेज में, तो आपको बोला जा रहा है उनको कंसिडर ज़रूर कीजिए, लेकिन देखिए उसके लिए आपका फोकस रहना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि बहुत चीज़ें जैसे आपकी लाइफ में चल रही हैं, सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज़ करो, अदरवाइज़ होगा क्या कि आप उलझे पड़े हो अपनी लाइफ के ओवर एस्पेक्ट्स में और यहाँ से अपॉर्चुनिटी आपकी निकल जा रही है, समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर फोकस की थोड़ी मुझे कमी नज़र आ रही है, तो बैलेंस करेंगे तो ठीक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करियर को लेकर के अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। ओके, दो कार्ड आए हैं, नहीं ये तीन चार कार्ड है, मैं नहीं ले रही, एक एक करके लूँगी मैं। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ बताएं। ओके, ये आना चाहता है 222, पार्टनरशिप, पीस मेकर, हारमोनियस रिलेशनशिप, सीक बैलेंस एंड पीस। तो ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर हारमोनी बनी रहेगी, ठीक है, बस आपको अपने, देखिए यहाँ पर ना बेसिकली मुझे आपके लिए मैसेज क्या मिल रहा है कैप्रिकॉर्न, कि आप ये 15 दिन में ना मिरर करने वाले हो अपनी एनर्जीज़ को। अगर आप इम्बैलेंस रहोगे तो आपकी लाइफ भी इम्बैलेंस रहेगी, वहाँ पर बैलेंस आना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कर लोगे ना, लाइफ भी धीरे धीरे सॉर्ट हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका बैलेंस लाना अपने अंदर बड़ा ज़रूरी है, अपने अंदर पीस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है, और पीस कैसे आता है, साधना से, मेडिटेशन से, वो बड़ी ज़रूरी है आपके लिए। तो इस समय में पार्टनरशिप हो सकती है आपके लिए, देखिए रिलेशनशिप को लेकर के तो पार्टनरशिप के लिए आप अवेलेबल हो नहीं, अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ के लिए पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुझे आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लग रही है, ठीक है, कि आप पार्टनरशिप में यहाँ पर जा सकते हो, या पार्टनरशिप में कुछ प्रोजेक्ट आप यहाँ पर कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 222 आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है, या ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा। 2 की एनर्जीज अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो अगेन वो बैलेंस की बात कर रही है, कि आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आर्क एंजल जॉफिल, ब्यूटी, विजडम एंड क्रिएटिविटी एंड लव। यस, यहाँ पर ये आपको बोला जा रहा है कि आपकी विजडम यहाँ पर बढ़ रही है ये वक्त में, ठीक है, अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट हुई है, आप बहुत ब्यूटीफुल लगने वाले हो ये वक्त में, जॉफिल की एनर्जीज है, आर्क एंजल जॉफिल, ठीक है। तो जितना आप साधना भी करते हो ना, उससे बहुत फ़ायदे होते हैं, ठीक है, आपके फेस का ग्लो तो आता ही है, आप अपनी इनर विजडम, अपनी इनर नॉलेज से कनेक्ट होते हो, आपके अंदर की जो क्रिएटिव साइड्स होती हैं वो ओपन होती है, आप एक प्यार की ऊर्जा में टैप इन करते हो, वननेस की ऊर्जा में टैप इन करते हो, ठीक है। तो ये सब मुझे आपका ओपन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लास्ट क्या है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, माय गॉड, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, 777, सीकर्स जर्नी, स्पिरिचुअलिटी, गुड लक, नीड फॉर सॉलिट्यूड एंड रेस्ट,
टेक टाइम आउट एंड टर्न इनवर्ड, ये वक्त है अपने अंदर जाने का, ठीक है, ये वक्त है सॉलिट्यूड की एनर्जीज में रहने का, अपने आप से कनेक्ट होने का, ठीक है, ये वक्त है एक स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने का। जहाँ पर भी आप किसी भी, अगर आप ऐसी फील्ड में, मतलब ये ओकल्ट साइंस की तरफ अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, टैरोट रीडिंग की तरफ, हीलिंग की तरफ, कुछ भी, मतलब क्रिस्टल्स की तरफ, तो प्लीज़ उस तरफ जाइए ज़रूर। ये बेसिकली आपको ना वहाँ पर भेजा जा रहा है डिवाइन की तरफ से, या कि जर्नी का हिस्सा है स्पिरिचुअल जर्नी का, तो आपको बोला जा रहा है वहाँ जाने की ज़रूरत है। एंड यस, अपने साथ समय बिताएं, मेडिटेशन आपके लिए मस्ट है, मस्ट, ठीक है। तो यस माय डियर कैप्रिकॉन, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो, मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है तो उन तक पहुँच पाए। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।